गाइज, हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस की बहुत यूज करते हैं जहां पर हम कहते हैं कि क्या मैं जान सकती हूँ तुम कल क्यों नहीं आए थे, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम वहाँ क्यों गए थे। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे क्या आपको पता है? गाइज, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है क्या मैं जान सकता हूँ या फिर क्या मैं जान सकती हूँ। इसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे मे आई नो, मे आई नो। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देने मे आई नो, इसके बाद डब्ल्यूएच वर्ड, इसके बाद आपको यूज कर देने सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज कर देने मेन वर्ब और लास्ट में अदर वर्ड्स। अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या मैं जान सकता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो? मे आई नो वेयर यू आर गोइंग, मे आई नो वेयर यू आर गोइंग। आर यू मत लिखना। क्या मैं जान सकता हूँ तुमने उसे पढ़ाया क्यों नहीं? मे आई नो वाई यू डिडंट टीच हिम, मे आई नो वाई यू डिडंट टीच हिम। क्या मैं जान सकता हूँ तुमने चोरी क्यों की? मे आई नो वाई यू कमिटेड थेफ्ट, मे आई नो वाई यू कमिटेड थेफ्ट। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें देर क्यों हुई? मे आई नो वाई यू गॉट लेट, मे आई नो वाई यू गॉट लेट। क्या मैं जान सकती हूँ तुम वहाँ क्यों गए थे? मे आई नो वाई डिड यू गो देयर, मे आई नो वाई डिड यू गो देयर। क्या मैं जान सकती हूँ तुम कल क्यों नहीं आए थे? मे आई नो वाई यू डिडंट कम यस्टरडे, मे आई नो वाई यू डिडंट कम यस्टरडे। क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारी फ्लाइट कब है मुंबई के लिए? मे आई नो वेन योर फ्लाइट इज फॉर मुंबई, मे आई नो वेन योर फ्लाइट इज फॉर मुंबई।